तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूँ 6 महीने जेल में रह के आया हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं, जो कल जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन जेल से निकलते ही संजय सिंह तानाशाह शब्द का इस्तेमाल खूब करते हुए नजर आए और कहा कि आम आदमी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। और बार बार संजय सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी रिहाई ने ये साबित कर दिया है कि आप पूरी तरीके से पाक साफ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। तो क्या संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद ये साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पाक साफ है, क्योंकि संजय सिंह तो यही कह रहे हैं। दरअसल कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर गए। संजय ने अरविंद की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और उनके पैर छुए, जिसके बाद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आपका जन्म आंदोलन की कोख से हुआ है। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम तानाशाही से डरने वाले नहीं। हमारे कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार हैं। केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का क्या गुनाह है? बीजेपी की तानाशाही से हम नहीं डरते। तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं यह आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं है, तुम्हारे किसी बदर घुड़की का डरने वाले नहीं है। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। तो जेल से निकलकर संजय सिंह दहाड़ रहे थे और बता रहे थे कि वो और उनकी पार्टी किसी से डरने वालों में से नहीं है। वहीं जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने तुरंत एक ट्वीट भी कर डाला, जिसमें लिखा कि जश्न का नहीं जंग का समय है, सभी देशभक्त कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार रहें। हमारे क्रांतिकारी साथी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं, जल्द जेल के ताले टूटेंगे और हमारे साथी छूटेंगे। संजय सिंह ने कहा, आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से खड़ा है, ये सत्य की जीत है। पिछले 2 साल से इस फर्जी शराब घोटाले की जांच चल रही है। ईडी, सीबीआई ने हजारों अफसर लगा लिए, सैकड़ों रेड कर ली, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास 1 भी रुपया नहीं मिला, यानी किसी भी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का 1 भी पैसा नहीं मिला। संजय सिंह ने कहा, मेरी रिहाई के साथ ही आप पार्टी की सच्चाई सबके सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए ईडी बेल के खिलाफ नहीं गई। वहीं संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कितना भी जोर लगा ले, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिरा नहीं सकते। सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी, कान खोल कर सुन लो, आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। वैसे ही कोई पहली बार नहीं था जब संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोल रहे थे। फिलहाल दिल्ली की विवादित आबकारी नीति से जुड़े केस में लगातार आपके नेता फंसते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही वसूली से जुड़े मामले में जेल में थे। इसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और फिर ईडी के हाथ संजय सिंह तक पहुंच गए थे। वहीं पिछले दिनों ईडी ने सीएम केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब संजय सिंह को जमानत मिल गई है, जो आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। खैर, अब आपको बता देते हैं कि संजय सिंह पर क्या आरोप हैं जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके घर पर 10 घंटे की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी के अनुसार संजय सिंह दिल्ली के शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। इसमें दिल्ली में थोक शराब का कारोबार रिश्वत के बदले में निजी संस्थाओं को दिया गया था। ईडी ने कहा था ये शराब नीति जानबूझकर कमियों के साथ तैयार की गई, इसका लाभ आम आदमी पार्टी को पहुंचाया गया था। संजय सिंह की रिमांड मांगने को लेकर ईडी ने कहा था कि संजय सिंह ने अवैध धन और रिश्वत का लाभ उठाया है। साथ ही गिरफ्तार दिनेश अरोड़ा से भी उनके कनेक्शनों का पता लगा था। दिनेश अरोड़ा एक व्यवसायी है जिस पर ईडी ने पहले साउथ ग्रुप फिर आपके बीच रिश्वत के माध्यम का होने का आरोप लगाया था। फिलहाल संजय सिंह की रिहाई आपके लिए अभी राहत की खबर है, लेकिन क्या ऐसी राहत आगे भी आम आदमी पार्टी को मिल सकती है? क्योंकि आपके कई बड़े चेहरे अभी जेल में बंद हैं, यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, और उनकी जेल से रिहाई कब हो पाएगी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी को आपके नेता पाक साफ बता रहे हैं। फिलहाल लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन सी पार्टी पाक साफ है और कौन सी नहीं, जिसका वो चुनावों में जवाब देती है, और जनता ही आगे आने वाले समय में तय करेगी कि आप पार्टी पाक साफ है या फिर नहीं। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।